नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा और आप देख रहे हैं मेरे दरबार का एंटरटेनमेंट चैनल। आज हम आ गए हैं जनता के बीच एक ऐसे मुद्दे पर बात करने के लिए। आज हम आपको बता देते हैं कि फिर एक बार एक ऐसे ट्वीट ने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक पिक्चर आ रही है द कश्मीर फाइल्स, तो उसी के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट किया। उन्होंने बताया कि हम कपिल के शो में क्यों नहीं जाना चाहते, क्योंकि एक फ़ैन ने विवेक अग्निहोत्री से ये रिक्वेस्ट की थी कि कपिल शर्मा सबकी हेल्प करते हैं और वो आपकी भी करेंगे, आपको इस पिक्चर को कपिल शर्मा के शो पर प्रमोट करना चाहिए। लेकिन इस पर रीट्वीट किया विवेक अग्निहोत्री ने। उन्होंने बताया कि हमें नहीं पता ये किसकी चॉइस होती है वहाँ प्रोड्यूसर कैसे किसे बुलाते हैं, उन्होंने हमारी टीम को मना कर दिया। तो हम जनता से आज यही रिएक्शन लेंगे कि कपिल का ये फैसला उनका खुद का है या जो उनने किया वो ठीक किया या किसी कहने पर ये हुआ। और कश्मीर फाइल्स का ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है, 11 मार्च को ये सिनेमाघरों में भी रिलीज़ हो जाएगी। तो देरी ना करते हुए चलते हैं फैंस के बीच, जानते हैं उनकी क्या राय है। एक बार फिर कपिल शर्मा विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं, हालांकि इसके पीछे की वजह कुछ अच्छी नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं विवेक अग्निहोत्री की आने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स की। दरअसल विवेक अग्निहोत्री ने कपिल शर्मा पर आरोप लगाया था कि कपिल ने उनकी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को प्रमोट करने से मना कर दिया है। तो वहीं विवेक ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि कपिल के शो पर कौन जाएगा इसका फैसला कपिल और प्रोड्यूसर करते हैं, हमारी फिल्म में कोई बड़ा सितारा नहीं है, शायद इसलिए प्रमोशन करने से इनकार कर दिया। जहां तक बॉलीवुड की बात है, मैं यही कहूंगा जो एक बार मिस्टर बच्चन ने गांधी परिवार के बारे में कहा था, वो राजा है हम रंग। आपको बता दें कि द कश्मीर फाइल्स कश्मीरी पंडितों के पलायन पर आधारित है। यह फिल्म 11 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इस फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी और दर्शन कुमार मुख्य भूमिका में शामिल हैं। और हम आपको बता दें कि कपिल शर्मा ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। कपिल को टैग करते हुए एक यूजर ने लिखा, कश्मीर फाइल को प्रमोट करने से क्यों घबरा गए कपिल, किस बात का डर था जो विवेक अग्निहोत्री और उनकी फिल्म की सुप्रतिष्ठित स्टार कास्ट को अपने शो पर आने का न्योता नहीं दिया। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन था भाई, लेकिन आपने मुझे और करोड़ों लोगों को निराश किया है, आपका बायकॉट करता हूँ। इसी पर कपिल ने भी जवाब देते हुए कहा, यह सच नहीं है राठौर साहब, आपने पूछा इसलिए बता दिया, बाकी जिन्होंने सच मान लिया है उनको सफाई देने का क्या फायदा। एक अनुभवी सोशल मीडिया यूजर होने के नाते सुझाव देना चाहता हूँ, आज की सोशल मीडिया की दुनिया में कभी भी एक तरफा कहानी पर भरोसा मत कीजिए। धन्यवाद। लेकिन क्या कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घर कश्मीर जाने का मौका मिलेगा? इज दिस जस्टिस? सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। दिव्या। दिव्या, तो एक फिल्म आ रही है द कश्मीर फाइल्स। ओके, पता है आपको? हाँ, विवेक जी की है, मैंने देखी हुई है। विवेक अग्निहोत्री। जी जी जी। तो हाल ही में एक फैन ने विवेक से ये गुजारिश की थी कि इस शो को आपको कपिल के शो में प्रमोट करना चाहिए, लेकिन उन्होंने विवेक ने इस पे ट्वीट करके बताया कि कपिल ने हमें आने से मना कर दिया, वो इसलिए क्योंकि हमारी फिल्म में कोई बड़ा स्टार नहीं है। तो आपको क्या लगता है स्टार होने से क्या है? स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, स्टोरी में कुछ बात होनी चाहिए, प्रमोशंस तो उसके बनते हैं। कई बार ऐसा होता है बड़ी स्टार कास्ट नहीं होती बट मूवी जो है हिट हो जाती है क्योंकि उसकी स्टोरी अच्छी होती है। अच्छा। हाँ, अच्छा कॉन्सेप्ट है, मूवी तो लॉन्ग टाइम से वेटेड है और अभी टाइम नहीं है, देखेंगे मूवीज। बट ऑफ कोर्स जो भी माइनॉरिटी है या जो भी मास एग्जोडस हुआ था कश्मीरी पंडित का, उसे दिखाना चाहिए क्योंकि हिस्ट्री कैन नॉट बी फॉरगेटन, वी शुड रिमेंबर आर हिस्ट्री, और हमें पता होना चाहिए, आगे जनरेशन को भी हमें बताना और आगे भी के लिए, तो अच्छा है, बढ़िया मूवी होगी। अखंड भारत और निर्माण भारत का निर्माण हो रहा है और अक्षुण भारत का, और यहाँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जब देश हमारा है और लोग हमारे हैं और मित्र सारे हमारे हैं और दिल से जब दिल लोगों का मिल रहा है तो उसमें क्या ज़रूरत है ऐसी मूवी की मानानी की जो दिल से दिल टूट जाए। हमें ऐसी मूवी बनानी चाहिए जिनसे दिल से दिल मिल जाए। अच्छा, इस फिल्म को लेकर अब हिंदू मुस्लिम होने लगा है, क्या ये ठीक है? देखिए, इसमें ना हिंदू मुस्लिम होना नहीं चाहिए,
क्योंकि देखिए हमें इसी देश में रहना है सबको, किसी भी कम्युनिटी के। अब ठीक है, पॉलिटिक्स होती है इन चीज़ों में। अब जैसे आपने बोला कपिल शर्मा ने मना कर दिया, हाँ। तो अब कपिल शर्मा ने मना कर दिया तो उसके पीछे जैसे कि राजी ने बोला कि उसमें प्रोड्यूसर का हाथ हो सकता है, हाँ। और सबका ना एक पॉलिटिकल एक अपनी आइडियोलॉजी होती है, इंक्लिनेशन होता है सबका, हाँ। आप शायद राइट विंग हो गए, मैं लेफ्ट विंग होगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि कपिल शर्मा नहीं प्रमोट कर रहे हैं तो क्या है, अदर प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया है, अभी जैसे आप ही आपका मीडिया चैनल है तो और अदर प्लेटफॉर्म्स। और इसमें हिंदू मुस्लिम क्या देखिए ये होता रहता है, अभी देखिए जब अभी इलेक्शन आते हैं तब हिंदू मुस्लिम होता है, और 90s होता में क्या मुस्लिम नहीं मरे थे? बिल्कुल बिल्कुल, तो मुस्लिम भी मरे थे, सिख भी मुस्लिम भी। अभी हम 84 का सिख राइट्स दिखाते हैं, ठीक है, मुस्लिम्स का दिखाते हैं कि वो परेशान हो रहे हैं, माइनॉरिटी तो वो भी तो माइनॉरिटी है ना, तो हर अगर सारे माइनॉरिटी दिखा सकते हैं तो इसमें कश्मीरी पंडित क्यों नहीं दिखा सकते? हम पारसीज के सबकी बात करते हैं, हर रिलीजन की बात करते हैं माइनॉरिटी की, तो ये भी दिखा सकते हैं इसमें हिंदू मुस्लिम कुछ। आप ये देखो ना कितना सेंसिटिव टॉपिक है ये, बिल्कुल। इस कपिल शर्मा शो क्या है, कॉमेडी शो है, बिल्कुल राइट। इतने सेंसिटिव टॉपिक पे कोई कॉमेडी करे तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल, तो इसकी वजह से मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अच्छे टॉपिक को किसी प्रमोशन की जरूरत नहीं है? प्रमोशन नहीं है, हाँ। डिपेंड करता है आप कौन सा प्रमोशन आप कहाँ पे कर रहे हो। ओके। एक सेगमेंटेशन होती है यहाँ पे, ओके। आप कहीं पे भी जाके कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कश्मीर वाला टॉपिक कितना सेंसिटिव है सबको पता है, बिल्कुल, बिल्कुल। और इसको मजाक में नहीं बनाया जा सकता। कपिल शर्मा शो है कॉमेडी शो, लेकिन कपिल हंसने के लिए जाते हैं, वहाँ पे हंसने के लिए देखते हैं। लेकिन कपिल का कहना है वहाँ पे ये शो जाएगा, हाँ। तो इसका मजाक बनेगा, लेकिन और इतने सेंसिटिव टॉपिक का कभी मजाक नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, प्रमोशन होना चाहिए, और भी वे होते हैं प्रमोशन, और भी अच्छी जगह है जहाँ पे उसको प्रमोट करा जा सकता है। बिल्कुल, तो लेकिन कपिल का ये कहना है कि हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कोई बड़ा स्टार कास्ट नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये खुद विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट करके बताया। आप क्या कहेंगे? अगर ऐसा है तो बहुत गलत बात है। बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि स्टार तो क्यों नहीं है, स्टार कोई नहीं होता, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता इस चीज में। अगर वो मूवी बना रहा तो वो स्टार है। बिल्कुल बिल्कुल, और स्टार तो एक कहानी ऐसी है जिसे पूरे देश को जानना चाहिए। बिल्कुल, और क्योंकि कपिल के शो को लोग अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, तो क्या पता अगर ये मूवी वहाँ होती तो लोग और देखने जाते इस मूवी को। बात वो नहीं है, बात हर जगह का होता है, आप कहाँ पे क्या चीज की प्रमोशन करते हैं। इस टॉपिक का अगर बाई चांस मजाक मजाक में वो कुछ बोल देता, आप लोग उसको अलग सेंस में ले जाते, फिर उसके साथ फिर से कोई प्रॉब्लम हो जाती। अभी भी वो उसी चीज से उभर रहा है जो उसने लास्ट मिस्टेक करी थी। बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी फिर से वो हो जाता, क्योंकि अब वो पहले वाला टाइम गया कि हो जाता है और भूल जाते हैं, लोगों को याद रहता है अभी। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसकी वजह से मेरे हिसाब से कोई बोलने, बट रीजन उन्होंने गलत दिया है कि छोटे एक्टर वगैरह वाली बात है। देखिए, ये कपिल शर्मा जी की गलत सोच है, और विवेक अग्निहोत्री ने जो मूवी बनाई है और जिनका टीजर भी अभी देखा जा गया है और ट्रेलर भी अभी देखा गया है, लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साहित है कि ये मूवी को देखनी चाहिए। और कपिल जी जो इस गलत फहमी में जी रहे हैं कि वो एक सुपर स्टार बन गए हैं, उनको शायद ये गलत फहमी छोड़ देनी चाहिए। आज कोई ना कोई उनकी जगह कोई ना कोई और ले लेगा, कोई ना कोई स्टार आता जाता रहता है, हर कोई कॉमेडियन बहुत सारे पड़े हुए हैं, जो इंडिया में बहुत सारे कॉमेडियंस की कमी नहीं है। कल कोई उनकी जगह दूसरे चैनल पे शो आएगा, कोई को दूसरा कॉमेडियन आएगा, लेकिन सच्चाई जो है वो दर्शानी ज़रूरी है, जनता तक लानी ज़रूरी है। और ये बखूबी तरीके से विवेक ने जो दिखाया है अपने फिल्म में और जो उनका ट्रेलर दिखाया जा रहा है, बहुत अच्छा है। देखिए, माइनॉरिटी का जहाँ पे सवाल आता है तो कहीं ना कहीं जहाँ पे जो माइनॉरिटी होता है तो कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सामना करना पड़ता है। और अगर एक्चुअली चीज़ों को अगर जो हुआ है एक्चुअल में अगर उन चीज़ों को सामने लाया जा रहा है तो इससे किसी को जो है एतराज़ क्या ही होगा। अगर जो एक्चुअल में हुआ है, किसी के साथ गलत हुआ है, तो अगर उसको सामने लाया जा रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, तो वी विल लाइक द मूवी अगर देखने के बाद बाकी कर। देखिए, इसमें बड़ी स्टार कास्ट की बात नहीं, अगर आप देखे होंगे ना तो बहुत सी छोटी छोटी मूवीज भी उस शो पे प्रमोट हुई हैं और होती रहती है। बट मेनली क्या है ना, जैसे आपको पता है कि हर इंडस्ट्री में कुछ ग्रुप्स होते हैं और विवेक जी अपने जो भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू है उसको लेके बहुत ज़्यादा आउट स्पोकन है, तो वो एक स्टैंड लेते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना ये उस ग्रुपिज्म की वजह से, और मतलब मान लो कपिल शर्मा का शो है तो वो सारे डिसीजन वो अकेले नहीं ले सकते, ऑफ कोर्स इसमें प्रोड्यूसर के भी हाथ है, इसमें चैनल का, प्रोड्यूसर का, और जो भी मतलब उनके ग्रुप एंड सर्कल है तो उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट रहता है। और इसमें पता हूँ मैं आपको एक बात बताऊँ कि मतलब मूवी वहाँ पे प्रमोट हो ना हो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता यार, अगर उसमें कंटेंट है ना तो वो पहले दिन के बाद से उठनी शुरू हो जाती है। तो कोई आप जैसे फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे
अब ताशकंद फाइल थी, बिल्कुल विवेक अग्निहोत्री, वो वहाँ पे प्रमोट नहीं हुई, बट वो आज नहीं, वो आगे आने वाले 100 साल में भी रेलेवेंट रहेगी। बिल्कुल। अब एक ऐसा सिनेमा होता है जो एक बार हाइप क्रिएट कर दे, जैसे फॉर एग्जाम्पल सलमान खान की मूवी है, वो एक एंटरटेनर होती है, वो 10 साल बाद भी मतलब किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या बनाया था क्या नहीं बनाया। बट कुछ फिल्में होती है जिनमें रियल में सब्सटेंस होता है, और उनको अगर आप मतलब कंटेंट पे देखेंगे तो वो लाइफ में लंबी चलती है, वो ओनली एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनती, वो एक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द हिस्ट्री और समटाइम्स यू नो आर्ट फिल्म्स। तो मतलब एक कैटेगरी में आप हर फिल्म को डाल देना अच्छा नहीं रहता, और उसके शो से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं कमर्शियल स्टार अनुपम खेर है उसमें, और मिथुन चक्रवर्ती भी हैं, और भी काफी सारे बड़े हस्ती तो हैं उसमें, पर ये चीज गलत है। क्या हमें ऐसी मूवीज पर एक्टर देखने चाहिए कि इसमें कमर्शियल स्टार है? ये हमारे देश के एक सच्ची कहानी पे बेस्ड मूवी है, तो यहाँ पे एक्टर्स देखना जरूरी है या फिर कहानी क्या है? क्योंकि हमारे देश के काफी कितने तबके के लोग हैं जिनको अभी तक ये स्टोरी पता भी नहीं होगी कितने, और ऑफ कोर्स ये बात है कोई एक फैमिली मूवी भी है तो सबको देखनी चाहिए, बच्चों को पता होनी चाहिए कि हमारे देश का एक हिस्ट्री था जो 90 के दशक में ये चीज वहाँ पे हुआ था। यार बड़ा स्टार क्या होता है वहाँ पे जो बैठे हैं, नेपोटिज्म को बढ़ावा दे रहे हो ना फिर आप, नेपोटिज्म, फिर आप तो नेपोटिज्म पे आ गए। नेपोटिज्म तो लिया हूँ तो फिर मैं एक बात बताऊँ, नेपोटिज्म ने अनिल कपूर की बेटी को लिया, सोनम कपूर को लिया, और दूसरा बोलूँ तो फिर आपको एक काम करो ना, आमिर खान सलमान खान इनके कितने भाई भतीजे बाद हैं, सबको ले आओ ना फिर आप, सबको ले आओ भाई भतीजा बाद पूरा ले आओ, बॉलीवुड में जितने भी हैं सबको भाई भतीजा बाद ले आओ। बड़े बड़े एक्टर हैं, आप जैकी श्रॉफ के बेटे जो लॉन्च हो गए, इतनी सारी एडिटिंग होती है उनकी मूवी में, टाइगर श्रॉफ जिनकी इतनी सारी एडिटिंग होती है मूवी में, वो मूवी में एक्शन धड़ाम धड़ाम करते दिखाई देते हैं, एकदम निकल जाते हैं टैंक के नीचे से। यार यूट्यूबर अच्छे अच्छे वीडियो बना रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कपिल ने जो किया वो ठीक किया? नहीं, उन्होंने ठीक नहीं किया। अगर स्टोरी उनको लग रही थी प्रॉमिसिंग थी तो उन्हें बुलाना चाहिए था, प्रमोट करना चाहिए था। अगर कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जो हमारे इंडिया से रिलेटेड हैं तो हमें उसको प्रमोट करना चाहिए। ये इसका गलत है, गलत बिल्कुल। अच्छा आपके हिसाब से क्या इस फिल्म को कपिल के शो के प्रमोशन की जरूरत, मतलब शो की जरूरत है प्रमोशन के लिए? पहली बात तो इस फिल्म को प्रमोशन की जरूरत ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है। कपिल शर्मा शो ये है कि आप सबको पता है कि उनके प्रोड्यूसर कौन है, तो सबको पता है, तो उसमें इस फिल्म को कोई जरूरत नहीं है। हर देशभक्त इस फिल्म को देखने जरूर जाएगा। और देशभक्ति क्यों, हम तो कहेंगे हर कोई देखने जाए। ऑफ कोर्स ही बात है, भारत में रहना तो आपको देखना जाना चाहिए फिल्म, क्या पता चले कि हमारे एक तबके के भाइयों पे कितना जुल्म ढाया गया था, कितनी प्रॉब्लम हुई उनको, अपना घर छोड़ना पड़ा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है कोई अपना घर छोड़ दे ये बहुत बड़ी बात होती है, और ज़बरदस्ती जब गन पॉइंट पे घर छुड़ाया जाए तो वो तो और डरावना। उन्होंने कहा या तो घर छोड़ो या धर्म बदलो। उन लोगों ने तो बहुत कुछ कहा था कि अपनी वाइफ को भी छोड़ दो यहाँ पे और जितने भी जेंट्स हैं वो चले जाएं, क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ा है काफ़ी, तो वो उन लोगों ने ये भी कहा था। तो आपको क्या लगता है कि इसमें कपिल के हाथ है या उनके प्रोड्यूसर्स का? आई थिंक इसमें प्रोड्यूसर्स का हाथ होता है, कपिल इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये प्रोड्यूसर्स को वहाँ पर देखना चाहिए, चैनल के जो भी हेड हैं उन्हें उस बारे में बात करनी चाहिए, और उन्हें आगे आना चाहिए ऐसी मूवीज को प्रमोट करने के लिए जिनकी स्टोरी हमारे इंडिया से रिलेटेड है या हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें कह सकते हैं प्रोड्यूसर या चैनल या पूरे किसी का हाथ हो सकता है, एक पूरा इनके अंदर में संगठन चलता है कि एक चैनल में जो वीडियोस दिखाई जाती हैं यूट्यूब को छोड़ के, खाली यूट्यूब और बाकी चैनलों को छोड़ के, बाकी चैनल्स पे जो दिखाई जाती हैं वो सारी स्क्रिप्टेड होती है, खाली यूट्यूब वीडियोस को छोड़ के, बाकी इसमें सारे जितने भी दिखाए जाते हैं सब स्क्रिप्टेड होते हैं। ये सब कहते हैं कि ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं ये फॉलो करो आप, वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए कहते हैं। बाकी यूट्यूब पे जितने भी चैनल होते हैं वो इनके किसी के मोहताज नहीं होते। तो आप एक्साइटेड हैं कश्मीर फाइल्स को देखने? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसका बहुत वेट कर रही हूँ। उससे पहले ताक्षण फाइल्स भी मैंने बहुत अच्छे से देखी थी, तो आई एम वेटिंग कि जल्दी से जल्दी मूवी आए मैं देखूँ उसे। बिल्कुल, क्योंकि 11 मार्च को रिलीज होने जा रही है सिनेमा घरों में, और आप देखेंगे, आप खुद कह रहे हैं हम श्योर मैं बहुत बड़ी फैन हूँ विवेक सर की, तो प्लीज़ जब भी आएगी तो मैं देखूंगी। अच्छा, उनकी मूवी अच्छी लगती है? जी बिल्कुल 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 है, देखने जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बखूबी टाइम मिला तो जरूर देखने जाएंगे, और इरादा तो देखने का पूरा है और देखेंगे, और अगर टाइम मिला तो जरूर फैमिली के संग देखने जाएंगे।
जी बिल्कुल है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी मूवी, एक जो रियल में जो हैपनिंग हुई थी, जो 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 इतनी बड़ी जो इतनी बड़ी त्रासदी थी, उसको एक तरह से पूर्व की सरकारों ने दबाया था, तो उसके ऊपर एटलीस्ट ये है कि मतलब जो हुआ था वो इसमें बताया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल शिंडलर लिस्ट का मतलब एग्जांपल लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मूवी बनने से उनको जस्टिस मिल जाएगा, बट यू हैव टू कीप रिमेंबरिंग व्हाट हैज बीन डन। बिल्कुल, मैं बिल्कुल जाऊंगा देखने के लिए, ऑफ कोर्स ये बात है, मैं जाऊंगा इस फिल्म को देखूंगा, क्योंकि बहुत नॉलेजेबल फिल्म है, एक हिस्टोरिकल इसमें असली सच्ची घटना है, तो ऑफ कोर्स ये बात है, लव फिल्म देखने से अच्छा है कि ये सब फिल्म देखें, ताकि देश के बारे में आपको पता चले, कि आपके एक तबके के बारे में पता चले कि आप कहाँ रह रहे हैं, क्या आपके आगे पीछे क्या हो रहा है पता चले। अच्छा, क्या कहेंगे आप कपिल के लिए, लास्ट सवाल हमारा? कपिल के लिए यही कहूँगी कि उन्हें थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट्स करने चाहिए थे कि वो इस स्टोरी को प्रमोट कर पाएं, क्योंकि वो भी इंडियन है और हम सब इंडियन है, तो हमारा इतना बनता है कि हम उनके लिए इतना कर सकें कि एक स्टोरी प्रमोट कर सकें। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कहें तो बहुत बढ़िया बंदा है, सबको हंसा दे, हंसना जरूरी है, सब हंसते रहो, ध्यान करते रहो अपना, बट अगर उसने ये कमेंट करा तो ये गलत है, उसकी RTP कम जाएगी, तो ये हुआ। लेकिन कपिल शर्मा के लिए एक ही बात कहना चाहेंगे कि उनके लिए ये बहुत बैड रिव्यू है, आपको सबको एक समान ट्रीट करना पड़ेगा, और अगर ये आप एक समान ट्रीट नहीं करने चाहिए तो फिर हम आपको बॉयकॉट भी कर सकते हैं। तो अब एंड में तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप हमारी रिपोर्ट और जो जनता ने अपने जवाब दिए उसमें देख ही चुके हैं कि क्या क्या कहा उन लोगों ने और क्या है, तो आप भी हमें जो उसमें आपकी राय है वो आप हमें कॉमेंट पर ज़रूर बताएं कि इसमें आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि मूवी को प्रमोशन की ज़रूरत है या वो ऐसे ही हिट हो जाएगी, कितने आप मूवी के लिए एक्साइटेड हैं, सब कुछ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं उमा शर्मा, थैंक यू सो मच।